नमस्ते बच्चों, आपका अक्षरधाम पब्लिक स्कूल में स्वागत है। आज हम स्नो वाइट और सात पौने की तीसरी अभ्यास पत्रिका पूर्ण करेंगे। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं हमारे उद्देश्य की ओर। हमारा पहला उद्देश्य है बच्चे स्वतंत्र लेखन लिखने में समर्थ होंगे। दूसरा है बच्चे अपने विचारों को व्यक्त करने में समर्थ होंगे। और तीसरा है बच्चे शब्दों को पढ़कर अपने शब्द भंडार में वृद्धि करेंगे। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं गतिविधि पहली की ओर। गतिविधि पहली, अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो चलिए बच्चों, मैं इस अपठित गद्यांश को पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनिए। एक नन्ना बादल आसमान की सैर कर रहा था। इंद्रधनुष को देखते हुए वह जमीन पर आ गया। उसने देखा कि एक लड़की अकेली बैठकर रो रही है। वह उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। उसे देखकर छोटी लड़की रोना भूल गई। आश्चर्य से बोली, नन्हे बादल, तुम जमीन पर क्या कर रहे हो? नन्ना बादल मुस्कुराता हुआ बोला, मैं आसमान में उड़ते उड़ते उब गया था, इसलिए धरती की सैर करने चला आया। पर तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? छोटी लड़की बोली, मेरा नाम रिमझिम है, मैं आसमान की सैर करना चाहती हूँ। नन्ना बादल बोला, बस इतनी सी बात, मैं तुम्हें आसमान की सैर करा सकता हूँ। तो बच्चों, आप भी इस अपठित गद्यांश को अच्छे से पढ़िए। तो चलिए बढ़ते हैं इस अपठित गद्यांश के प्रश्नों के उत्तरों को जानेंगे। प्रश्न पहला, बादल कहाँ सैर कर रहा था? उत्तर, एक नन्ना सा बादल आसमान की सैर कर रहा था। प्रश्न दूसरा, एक दिन बादल ने क्या देखा? उत्तर, एक दिन बादल ने देखा कि एक लड़की अकेली बैठकर रो रही है। प्रश्न तीसरा, नन्ना बादल मुस्कुराता हुआ क्या बोला? उत्तर, नन्ना बादल मुस्कुराता हुआ बोला, मैं आसमान में उड़ते उड़ते उब गया था, इसलिए धरती की सैर करने चला आया। प्रश्न चौथा, लड़की का नाम क्या है? उत्तर, लड़की का नाम रिमझिम है। प्रश्न पांचवा, लड़की क्यों रो रही थी? उत्तर, क्योंकि वह आसमान की सैर करना चाहती थी। तो बच्चों, आप इन प्रश्नों के उत्तरों को अच्छे से लिखकर यह गतिविधि को पूर्ण कीजिए। चलिए बढ़ते हैं गतिविधि दूसरी की ओर। गतिविधि दूसरी, दिए गए पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो चलिए बच्चों, मैं इस पद्यांश को पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनिए। दूर चंदा के देश में आसमान की नीली चादर पर सुंदर परियों के वेश में टिमटिम तारे चमकते हैं। आसमान को देख दीपा ने पूछा अपनी मम्मी से, रात के समय अंधेरे में ऊपर ये क्या जगमगाते हैं? क्या माँ आसमान में रोज दीप जलाए जाते हैं, या माँ ईश्वर घर में रोज दीपावली मनाते हैं? तो बच्चों, इस पद्यांश को आप अच्छे से पढ़िए। चलिए बढ़ते हैं इस पद्यांश के प्रश्नों के उत्तरों को जानेंगे। प्रश्न पहला, आसमान किस रंग का है? उत्तर, आसमान नीला रंग का होता है। प्रश्न दूसरा, आसमान में क्या चमकते हैं? उत्तर, आसमान में टिमटिम तारे चमकते हैं। प्रश्न तीसरा, रात इस शब्द का विलोम शब्द लिखिए। उत्तर, रात का विलोम शब्द है दिन। प्रश्न चौथा, दीपा ने अपनी माँ से क्या पूछा? उत्तर, दीपा ने अपनी माँ से पूछा, रात के समय अंधेरे में ऊपर ये क्या जगमगाते हैं? प्रश्न पांचवा, आकाश में तारों के अलावा आप कौन सी चीजें देखते हैं, उनके नाम लिखिए। उत्तर, आकाश में तारों के अलावा चांद, सूरज, बादल, पंछी आदि। तो बच्चों, आप इस पद्यांश के प्रश्नों के उत्तरों को अच्छे से पढ़कर लिखिए और यह गतिविधि को पूर्ण कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के गृह कार्य की ओर।
आज का गृह कार्य है दिए गए अभ्यास पत्रिका को पूर्ण कीजिए। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।